नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Nokia C32 versus Oppo E18 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो C32 में 6.48 इंच जबकि A18 में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि C32 से कम है। विड्थ की बात करें तो C32 में 2.99 इंच जबकि A18 में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि C32 से कम है। बात करें थिकनेस की तो C32 में 0.33 इंच जबकि A18 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो C32 में 199.4 ग्राम जबकि A18 में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो C32 में 6.51 इंचेस जबकि A18 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन C32 में 720x1600 और A18 में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो C32 में 81.9% जबकि A18 में 84.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो C32 में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि A18 में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो C32 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और A18 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो C32 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A18 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो C32 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A18 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो C32 में PowerVR GE8322 जबकि A18 में Mali G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो C32 में Unisoc और A18 में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो C32 में 6GB जबकि A18 में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो C32 में अप टू 256GB जबकि A18 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो C32 में 3 कलर्स जबकि A18 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो C32 1499 रुपीस में मिल जाता है और बात करें A18 की तो वो 11499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Nokia C32 में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Oppo A18 की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में C32 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 18 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y17s है, दूसरा Realme Narzo N53 है, तीसरा Oppo A59 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A05s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।